शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का 99 साल की उम्र में निधन हो गया है। एमपी के नरसिंहपुर जिले स्थित आश्रम में उन्होंने 11 सितंबर को दोपहर 3:30 बजे के करीब अंतिम सांस ली। आइए जानते हैं स्वरूपानंद सरस्वती कौन थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई से लेकर राम मंदिर के निर्माण तक में अहम भूमिका निभाई थी। स्वरूपानंद सरस्वती का जन्म एमपी के सिवनी जिले स्थित दिघोर गाँव में 2 सितम्बर 1924 को हुआ था। 9 साल की उम्र में ही धर्म के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने घर त्याग दिया। धर्म के साथ साथ उनकी दिलचस्पी धार्मिक और सामाजिक मुद्दों में भी रही थी। साधु होने के साथ साथ वह एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए उन्हें क्रांतिकारी साधु के नाम से भी जाना जाता है। यह स्वरूप उनका आगे चलकर भी बरकरार रहा। इसके साथ ही सियासत में कांग्रेस नेताओं के साथ नजदीकियों के कारण भी वो काफी चर्चा में रहे हैं। उनका पैतृक घर सिवनी जिले के दिघोरी गांव में है। वह एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं। पिता का नाम धनपति उपाध्याय था। माता पिता ने इनका नाम पोथीराम उपाध्याय रखा था। इसी क्रम में वह काशी पहुंचे और स्वामी करपात्री महाराज से वेद वेदांग और शास्त्रों की दीक्षा ली। इसके बाद धर्म की राह पर वह चलते ही रहे। दीक्षा ग्रहण करने के बाद पोथीराम उपाध्याय की दिलचस्पी आजादी की लड़ाई में भी थी। इसी दौरान 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। उस समय स्वामी जी की उम्र सिर्फ 19 साल की थी। कुछ अलग करने का जज्बा स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती भी इसी क्रम में आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। आंदोलन के दौरान अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 9 महीने तक वाराणसी के जेल में कैद रखा। साथ ही 6 महीने तक एमपी के जेल में भी वो कैद रहे। आजादी की लड़ाई के साथ साथ वह धार्मिक कार्यों से भी जुड़े रहे। 1950 में वो दंडी सन्यासी भी बन गए। इसके साथ उन्होंने शारदा पीठ शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती से दंड संन्यास की दीक्षा भी ली थी। इसके बाद से ही उन्हें स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के नाम से जाना जाने लगा। पहली बार स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को 1981 में शंकराचार्य की उपाधि मिली। अब भी वो द्वारका के ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य थे।